Hey people, what's up? This is Pratik. So, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप नैनीताल के अंदर एक रूम लेना चाहते हो, होटल रूम लेना चाहते हो, तो अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं, तो मैं आपको एक रिव्यू दिखाने वाला हूँ. आप चेक कर लो कि अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हो. जस्ट एक सजेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो. तो सबसे पहले मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगा इसके बारे में. जैसे ही हम होटल में इंटर करते हैं, यहाँ देख सकते हो आपकी कैसा होटल है. ठीक है, ये वुडन फ्रेम से ऊपर की तरफ वॉशरूम कैसा मिलता है. यहाँ आप देख सकते हो ये वॉशरूम मिल गया इस होटल का. ठीक है, तो काफी अच्छा वॉशरूम है. यहाँ पे आपको अच्छा खासा वॉशरूम मिल जाता है. यहाँ पे बाथटब भी मिल जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट आप रूम की तरफ चलते हैं. अब ये अपना रूम हो गया. ठीक है, अच्छा खासा रूम आपको यहाँ देखने को मिल जाता है. यहाँ देख लो आप, ये मिरर हो गया, ये कबर्ड हो गया. आप चाहो तो इसमें भी कुछ रख सकते हो. तो अच्छा खासा आपको फैसिलिटी जो भी एक मिलना चाहिए वो मिल जाता है. ये बेड मिल जाता है. उसके बाद यहाँ देख सकते हो कि आपको टीवी मिल जाता है. उसके बाद यहाँ पे आपको एक सोफा एंड एक टेबल मिल जाता है. एम्बियंस ठीक ठाक सा है रूम का, आपको इस प्राइस रेंज में खराब नहीं लगेगा. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि ये एक लेक व्यू रूम है. ठीक है, लेक व्यू रूम है, साथ में एक बालकनी भी मिलती है आपको. तो यहाँ आप देख सकते हो जब बालकनी से हम निकलते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है यहाँ का कि ये देख लो ये बालकनी हो गया, एकदम प्रॉपरली लेक व्यू आपको मिल जाता है. तो इस प्राइस रेंज में आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है यहाँ पे. अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लेना चाहते हो वेलकम पार्क में प्रीमियम लेक व्यू रूम, तो कॉस्टिंग इसकी आएगी 1500 के आसपास. आप गो एबीबो या yatra.com पे ले सकते हो. अब यहाँ पे आप फोकस करने वाली बात ये है, जो आप यहाँ देख सकते हो ये जो गाड़ियाँ चल रही है, ये मॉल रोड हो गया. ठीक है, मॉल रोड मतलब मॉल रोड यहाँ से सिर्फ हाफ किलोमीटर का रेडियस है. बट द पॉइंट इज कि यहाँ आप मॉल रोड से जो ये होटल का डिस्टेंस है वो हाइट पे है. लाइक आपको हाफ किलोमीटर ऊपर की तरफ आना है, तो वो काफ़ी परेशानी होती है लोगों को. होटल सर्विस प्रोवाइड करती है कि आपको जब भी मॉल रोड जाना होगा तो वो पिकअप एंड ड्रॉप फ्री में प्रोवाइड करते हैं. तो इसमें क्या है कि आपको सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ में आप कार पार्किंग भी मिल जाती है. अगर आप आते हो अपने कार से तो आप कार पार्क कर लो, एंड आपको कभी भी मॉल रोड जाना है तो वो ड्रॉप कर देंगे आपको. एंड काफ़ी बेटर है अगर आप लेना चाहते हो तो, क्योंकि आप भी जानते हो अगर आप मॉल रोड में गाड़ी लेके जाओगे तो टेंशन वाली बात है कि आप पार्क करो, ये करो, वो करो. तो ये चीज़ बेटर है इनके लिए कि आपको ड्रॉप करते फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जितनी बार भी जाओ, 10 सुबह 10 से रात को 10 बजे तक. तो ये चीज़ हो गया एक प्लस पॉइंट इनके लिए. दूसरा कि रूम काफ़ी 1500 के रेंज में बहुत अच्छा रूम आपको यहाँ देखने को मिल जाता है. व्यू आपने देख ही लिया कि बहुत ही प्रीमियम व्यू मिलता है यहाँ पे. सर्विस आपकी इनकी अच्छी है. एक चीज़ मुझे लगी लाइक थोड़ी कॉस्टली है, इनका जो अपना किचन है वो थोड़ा सा कॉस्टली है. बट मैटर करता है कि कौन कि किसके पास कितना पैसा है. बट आप डिपेंड करता है कि अगर आप 1500-2000 के बीच में एक रूम लेना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा. मैं जस्ट आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ आके रहो. अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ले सकते हो. मैंने इसलिए कहा क्योंकि हर बंदा कन्फ्यूज होता है कि कहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ, अगर फैमिली के साथ जाना है किसके साथ जाना है, तो ये मतलब लूँ कि नहीं लूँ, मॉल रोड से कितना डिस्टेंस होगा. तो ये मैं आपको क्लियर करता हूँ, मॉल रोड से हाफ किलोमीटर है एंड पिकअप ड्रॉप फ्री है कॉम्प्लीमेंट्री होटल की तरफ से. तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है इनका. तो अब होटल का नाम है वेलकम पार्क नैनीताल के अंदर. तो ये आप याद रखना, वेलकम पार्क आप कभी भी सर्च कर सकते हो, कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे आपको इजीली मिल जाएगा. एंड आप चाहो तो ले सकते हो. ये प्रीमियम लेक व्यू रूम के अंदर आता है. इससे सस्ता एक आता है वो माउंटेन व्यू के अंदर. ठीक है, उसमें ये बालकनी आपको नहीं मिलेगा, तो आप वो भी ले सकते हो. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लेक व्यू ही लेना है, वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर. अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल. थैंक यू.